सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। Rishto.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खा पोए Rishto.com जी ब्रांच ऑफिस हाने गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हास नगर ब में भी उल्हास नगर जे पेरे में ए कल्याण जी शहर वासिन लाए एक सुहणी सुखड़ी आलीशान ऑफिस ओहो भी कपल ए पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सा गड त अचो ए अजी विजिट कयो Rishto.com सिंधिन जो सिंधिन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का उल्लासनगर में 91,000 से भी अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है और लगातार उल्लासनगर शहर में बीजेपी नेताओं की तरफ से लाडली बहन योजना का लाभ लेने वाली बहनों का सत्कार समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां ऐसे कार्यक्रमों में बीजेपी नेता लक्की ड्रॉ के माध्यम से बहनों को आकर्षित इनाम भी दे रहे हैं। उल्लासनगर बीजेपी के महासचिव लक्की नाथानी जी के प्रयासों से उन्होंने अपने प्रभाग में 800 से भी ज़्यादा बहनों के फॉर्म भरे थे, जिससे अब उन बहनों का इस योजना का लाभ मिला है, जहां इस योजना का लाभ मिलने वाली महिलाओं के लिए उल्लासनगर कैंप एक पूज्य लाड़काना पंचायती हॉल में एक मेड़ावे का आयोजन किया गया था, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएँ उपस्थित थी। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी महासचिव लक्की नाथानी जी की तरफ से किया गया था, जहां कार्यक्रम में लक्की ड्रॉ निकालकर महिलाओं को आकर्षित इनाम दिए गए और कार्यक्रम के बाद स्नेह भोजन का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर आमदार कुमार एलानी, बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, जमनू पुरस्वाणी, मनोज साधनानी, दीपक छतलानी और भी कई गणमान्य वहाँ उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। सभी जना पेरी हथ मथे करे सब जना भारत माता जी जय चवंदासीं ऐं जय एतरी जोर सां हुजे जो तव्हांखे एॾी बुख लॻे जो प्लेट में हिकु जे जॻहि ते डबल रोटी खाओ, ॿ दफ़ा रोटी खाओ, छाकाणि असांखे घाटो ई न, असां प्लेट जे हिसाब सां ॾिनो आहे, बराबरि आहे। भारत माता की, भारत माता की, वाह वाह। सच में हमारी जो बहने हैं ना, उनका आवाज बहुत तेज है और ये बहने तो वोट देंगी कमल के फूल को, बहनों ही ने भी देना चाहिए, भांजे ने भी देना चाहिए, भांजी ने भी देना चाहिए। लक्की जी, ये आपकी खाली बहने आई है, बहनों ही घर पे बैठे हुए हैं, बहने जाके हमको कहेंगी भैया ने हमको यहाँ बुलाया था, बड़े भैया मोदी जी ने 7,500 अकाउंट में भेजे, देवेंद्र जी ने भेजे, अभी ये कह रहा था मेरा लक्की कि आप लोग खड़े हो मुझे दुख होता है, ये बात सही है, उसे दुख होता है क्योंकि खड़ा उसको होना है इलेक्शन की, इलेक्शन में तो सब वोट। एक बार आप सब लोग संगठित हो जाओ, लक्की जो है हमेशा आपका काम करता रहता है, छोटी छोटी बातों के लिए आमदार से लड़ता रहता है, मेरे से लड़ता रहता है, जम्मू से लड़ता रहता है, ऐसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी के साथ जो खेल है, जो लोगों का काम करता है, आपकी सेवा करता है, आप इसके साथ खड़े रहिए, इसको बड़ा आदमी बनाना, राजनीति की बुलंदियां छुओ, उनको छूना, ये हमारी पार्टी का काम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहनों के अकाउंट में जब पे
पहली बार पैसे आए, किसी के अकाउंट में 1500 आए, किसी के अकाउंट में 3000 आए, तो बहनों की बाछे खुल गई और खुश हो गई बहने। बोले कि भाई कई लोगों को तो ऐसा लगता था कि योजनाएं खाली ऐसे फॉर्म पर आते हैं, पैसे तो आते ही नहीं है, ऐसा था कि नहीं? अरे जैसे 3000 आए गर्दी बढ़ गई, मुझे खाते में नया हिम्मत खाते में अच्छी है। हमारे अमदार के कार्यालय में भीड़ लग गई, जम्मू के कार्यालय में भीड़ लग गई, लोगों को विश्वास हुआ कि पैसे आएंगे। फिर बहुत सारे बैंकों के अकाउंट में सीधे 4500 आए ना 4500। तो फिर दूसरी बहने जागी, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, हम कैसे छूट गए, उन्होंने भी लाइन लगाई। कुल मिलाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आप बहनों के लिए बहुत काम किया। लखी नाथानी जी ने आपके फॉर्म भरे, आमदार ने आपके फॉर्म भरे, जम्मू पुरस्वानी ने आपके फॉर्म भरे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ फॉर्म भरे, और जब 7500 सबके अकाउंट में आए तो बहनें खुश हो गई। कुछ बहनों ने हाथ उठाया था कि हमारे पैसे नहीं आए हैं, मैं वायदा करता हूँ जिनके पैसे नहीं आए हैं उनकी बैंक में कमी होगी। आप बैंक जाइए, बैंक में अपनी सीडिंग करवाइए और अपना खाते में पैसा लगाइए। और जय श्री राम। आप सभी खड़े हैं वहाँ पे, मैं उनसे बहुत दिल से क्षमा मांगता हूँ कि मेरे वजह से आपको खड़ा रहना पड़ा, कि ये हॉल छोटा है, मुझे पता नहीं था कि इतनी तकलीफ होगी। जो आपको तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और आप यहाँ पे आए, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मुझे आशीर्वाद देने आए हो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग आए यहाँ पे। और ये जो लाड़की बहन योजना सबको जो लाभ मिल रहा है, हमारी सरकार जो बीजेपी सरकार, हमारे मोदी जी जो दिन रात मेहनत करके पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं, जो विदेश में पहले की जो सरकार थी कांग्रेस सरकार उनको आने को पसंद नहीं करते थे, आज हमारे बीजेपी सरकार में हमारे मोदी जी को वहाँ पे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और वहाँ पे जो भी वहाँ के पंत प्रधान है उनसे पहले उनको हमारे मोदी जी को वहाँ पे उनको बिठाया जाता है, और यहाँ के जो इंडियंस फॉरेन में हैं आज उनको इतनी इज्जत दी जाती है। वो कहते हैं कि कोई भी वहाँ पे जाता है तो बोलते हैं कि आप मोदी जी के यहाँ से आए हो, सबको ये बोलते हैं। और आप सभी बहनों को ये योजना कंटिन्यू मिलती रहेगी। हमारे विरोधी ये फैला रहे हैं कि ये इलेक्शन तक है, ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सबको ये कंटिन्यू योजना का लाभ मिलते रहेगा। आप सिर्फ हमारी बीजेपी सरकार को आगे लाएं, कमल के फूल को आप बटन दबाएं हर बार, और ये जब तक हमारी सरकार बीजेपी सरकार है आपकी ये योजना चालू रहेगी कंटिन्यू, और आपको ये लाभ मिलते रहेगा। आप सभी से ये निवेदन है, आप दिल से ये आगे भी हमेशा कमल के फूल को ही बटन दबाएंगे, ये मुझे आप अपना प्रॉमिस कीजिए, हाथ ऊपर करके सब मुझे बोलेंगे कि कमल के फूल को ही आप वोट देंगे, मैं प्रॉमिस समझूंगा। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।